दोस्तों टीम इंडिया को सपोर्ट करने किंग लाइव मैच में नजर आए तो फैंस ने बवाल मचा दिया। लोग मैच की जगह शाहरुख को देखने लगे। डंकी की हाइप भी इससे काफी ज्यादा हो गई हैं। वहीं शाहरुख खान के साथ रणवीर दीपिका भी नजर आए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जवान के बाद अब किंग खान अपनी तीसरी फिल्म डंकी लेकर आ रहे हैं। नहीं बल्कि हॉलीवुड में डंकी को कम से कम 5,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। वहीं इंडिया समेत डंकी को लगभग 10,000 स्क्रीन मिल चुके हैं। फिल्म पहले दिन ही सभी बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वहीं ट्रेड यूनियन का कहना है कि डंकी दो दिनों में अपना बजट से दोगुना यानी 200 करोड़ का कारोबार कर लेगी। दोस्तों फिल्म के गाने भी काफी महंगे बनाए गए हैं और ऐसे में फिल्म से ऑडियंस को काफी ज्यादा उम्मीद है। दोस्तों बायारिफ भी डंकी के सपोर्ट में आ चुका है और डंकी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने की बात कही है। सलार और डंकी की इस बर्दस्त टक्कर के बीच वायारेफ ने गेम चेंज कर डाला है। डंकी 8,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज करवाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जवान को लगभग 10,000 स्क्रीन दुनिया भर में मिले थे, लेकिन अब डंकी भी 8,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सलार को स्क्रीन देने से पहले पिछली फिल्म आदिपुरुष का रिकॉर्ड देखेंगे, तो ये तो सबको मालूम है। फिलहाल शाहरुख सबसे आगे चल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना फायदा देखेंगे और सलार को हिंदी में स्क्रीन कम मिलेंगे। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सलार भी अच्छी फिल्म होगी क्योंकि उसको प्रशांत नील बना रहे हैं, लेकिन उनमें इतना तो दिमाग होगा कि अगर हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ करना है तो डंकी से 20 दिन बाद या 20 दिन पहले रिलीज करेंगे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है डंकी कितना कलेक्शन करेगी?